हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों व कोच को सम्मानित करेगी। प्रदेश का पहला अवार्ड प्रोग्राम कार्यक्रम जल्द ही शिमला में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जाएगा। ये फैसला हमीरपुर में आयोजित हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ की वार्षिक बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष व सांसद अनुराग ठाकुर ने की। हमीरपुर में पैराडाइज होटल में हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ की बैठक में प्रदेश में खेलों के स्तर को और अधिक बेहतर बनाने पर विशेष रूप से चर्चा करने के साथ साथ सरकार के समक्ष उठाए जाने वाले मुद्दों पर सर्वसहमति से फैसला भी लिया गया। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि संघ ने अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों व कोच को सम्मानित करने का फैसला लिया है, ताकि आने वाले समय में प्रदेश के खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ की एनुअल जनरल मीटिंग में आज अलग अलग खेल संस्थाओं ने जो उपलब्धियां रही उस पर भी चर्चा हुई, जो कठिनाइयां रही और जो परेशानियां होती हैं कि स्टेडियम्स की कमी, कोचेस की कमी, उस पर भी चर्चा हुई। और प्रदेश के खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़े तो हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ ने यह तय किया है कि हम इस वर्ष से एनुअल अवार्ड्स हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए और जिन कोचेस ने अच्छा किया उनको सम्मानित करने का शुरू करेंगे। पहला अवार्ड्स इस साल शिमला में होंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी को उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएंगे और उन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है, मेडल जीत कर लाए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि संघ सरकार से प्रदेश में कोई एक स्थान की मांग उठाएगा जहां पर स्टेडियम के अलावा युवा खिलाड़ियों को तराशने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संघ उत्तक स्थान पर एकेडमी के साथ हॉस्टल की सुविधा मुहैया करवाकर खिलाड़ियों को बेहतर कोचिंग दिलवाएगा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में सिंथेटिक ट्रैक के अलावा इनडोर स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, जो कि सबसे उपयुक्त है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ ये चाहती है कि कोई एक स्थान, जैसे हमीरपुर में सिंथेटिक ट्रैक है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है, वो अगर ओलंपिक संघ को दिया जाए तो हम यहाँ पर कुछ खेलों के लिए एकेडमी शुरू करना चाहते हैं, हॉस्टल की सुविधा शुरू करना चाहते हैं और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ को अगर ये देती है तो हम कुछ खेलों के लिए यहाँ पर खिलाड़ियों को तराशने का काम करेंगे ताकि भविष्य में मेडल जीत कर ला सके। वहीं बैठक के दौरान प्रदेश में संघों को मान्यता देने के अलावा ओलंपिक उत्सव मनाने के लिए भी कमेटी का गठन किया गया। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा खेल विधेयक पर सभी से बातचीत कर नीति बनाने का प्रयास किया और कहा कि पूर्व सरकार ने खेलों में राजनीति करने की कोशिश की थी, जो कि गलत था। तीसरा, हिमाचल प्रदेश में ओलंपिक फेस्टिवल हम करें उसके लिए भी स्थान का चयन करने के लिए कमेटी तय की गई है। कुछ फेडरेशन, कुछ एसोसिएशंस ने अपने लिए मान्यता मांगी थी, उसके लिए भी कमेटी बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर उनको एफिलिएशंस दी जाएंगी। तो सरकार का काम है और मुझे, मैं बधाई देता हूं कि वो सभी एसोसिएशन फेडरेशन से बात करके अगर कोई कदम उठाते हैं तो उससे खेलों के हित में निर्णय होगा। पूर्व की सरकारों ने खेलों को कुचलने का काम किया था। हम चाहते हैं कि एसोसिएशन, जिनका एक बहुत बड़ा दायित्व है खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको साथ में लेकर चलना चाहिए। जैसे स्टेडियम्स, कोचेस की नियुक्ति प्रदेश की सरकारें करें, कंपटीशंस एसोसिएशंस करें, खिलाड़ियों के कैंप्स के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, तो इससे क्या होगा, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। राज्य की सरकार खिलाड़ियों को नौकरियां देने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें ताकि लोग खेलों में आगे आएं, इससे बल मिलेगा। जितना लाभ खिलाड़ियों को मिले, जैसे बाकी राज्य आगे बढ़े हैं, हिमाचल भी आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है।